वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ऑफ कोर्स मेरे गुड मॉर्निंग शो में आप लोग डिफरेंट सेगमेंट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अवेयरनेस के लिए भी, और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। और मैं ड्रग्स पे जब बात करती हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेचारे घर से या कहीं ना कहीं कॉलेज में, स्कूल में, कहीं ना कहीं मिस्टेक में, दोस्तों में कुछ लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्मोक हो या जो भी नशा हो जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन वो इतनी हद से पार हो जाते हैं कि उनको फिर ट्रीटमेंट जो है ज़रूरत पड़ जाती है। एक नॉर्मल हम लोग के घर में लोग स्मोकिंग करते हैं कि अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में, कराची में ऐसे जो है सेंटर्स कायम हैं जो इस तरह के जो लोग पेशेंट की सूरत में प्रेजेंट हो जाते हैं उनको ट्रीटमेंट करते हैं। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि अगर ये लोग ना हो तो फिर गवर्नमेंट में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम लोगों के लिए बड़ा मसला है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं अल ज़हरा रिहैब सेंटर से सैयदा जवेरिया शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो जवेरिया? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर थैंक यू सो मच अगेन। और ये ज़रूरी है हमें गा बगा तो लोगों को आगाह करना। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें दोबारा इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अपने जो सेंटर है रिहैब के बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। हमारा रिहैब सेंटर जो है वो इस वक्त तीन तरह के शोबों पर काम कर रहा है। उसका नाम अल ज़हरा रिहैब सेंटर है। एक शोबा जो है वो नफ्सियात से रिलेटेड मरीज़ों पर काम कर रहा है, यानी जितने भी नफ्सियाती मरीज़ होते हैं उनका इलाज कर रहा है। और दूसरा शोबा जो है वो मंशियात के आदि मरीज़ों का इलाज कर रहा है। और काफ़ी मरीज़ हमारे पास से सेहतियाब होकर जा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है वो मतलब रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जिनके माँ बाप ये समझते थे कि अब हमारे बच्चे बिल्कुल इस नशे की लत में पढ़कर बिल्कुल ही यूज़लेस हो चुके हैं, लेकिन अब जो है जब हमारा इदारा काम कर रहा है, रिहैब कर रहा है पेशेंट्स को, उनकी लुक आफ्टर कर रहा है, फिर वो जब अपने घरों पर जा रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, अच्छी तरह पेश आ रहे हैं अपने घर वालों से। इसके अलावा हमारा इदारा एक ओल्ड एज होम पर भी काम कर रहा है, जैसे कि घर वाले जो होते हैं, बाज़ जगह इज़्ज़त बहुत दी जाती है पेरेंट्स को भी, ज़्यादातर हमारे माशरे में ऐसी तरह होता है, लेकिन कई जगह इस तरह भी हो रहा है आजकल के पेरेंट्स को बिल्कुल भी जो है वो ऐसा मकाम नहीं दिया जा रहा है जिसके वो मुस्तहिक होते हैं, और औलाद का जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं करते लोग, पेरेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं हमारे पास और फिर पलट कर देखते भी नहीं, लेकिन हम उन लोग की लुक आफ्टर करते हैं और उनको जो है वो इस तरह से माहौल देने की कोशिश करते हैं जैसे वो अपने घर में मौजूद हों। बड़ी बात है सैयदा, मैं सुन रही थी बड़े गौर से, इन्होंने मेरे जहन में सिर्फ एक ये था कि ये मनुष्यात पे ही वर्क कर रहे हैं, फिर एक पॉजिटिव बात ये है कि साथ साथ वो उन पेरेंट्स के ऊपर भी कि जो लोगों को घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई है, बेटे ने घर से निकाल दिया, उन वालदेन को भी, ये तो दुआओं वाला काम है चंदा। अच्छा, बात करेंगे ऑफकोर्स पेशेंट की, बात करूँ तो मैं नाज़िन में चाहती हूँ कि लोगों आप ज़रा उन लोगों से मिलें जो इस प्रोसीजर, इस तकलीफ़ से गुजरे हैं, उसके बाद वो बैक हुए, तो मैं उनसे दोनों बातें पूछना चाहूँगी कि उसके बाद पहले क्या था और अब क्या है। तो यहाँ पर एज अ पेशेंट इनको रिहैब में ट्रीटमेंट भी किया गया है, तो इजाज़त मिलवा दूँ इनको। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर फजल खान साहब मौजूद है। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप खान साहब, आप कहाँ से अपने नशे में आ गए? अच्छा जी, एक मिनट आपसे भी बात करके पहले उनसे मिलवा दीजिए। बराबर में एजाज खान साहब भी मौजूद हैं, वो भी पेशेंट थे और अब ट्रीटमेंट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले फजल साहब से बात करती हूँ, और फजल बताएं मुझे कि ये क्या हुआ आपके साथ अचानक? बस मैम ये है कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती तो होती है, सही, मगर बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती को सुधार दे। मैं अपने पढ़ाई वढ़ाई के बाद, मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद जब फारिग हुआ, कामकाज की तरफ मुतवज्जो हुआ, तो फ्री टाइम में मैं अपने यार दोस्तों से मिलता था, बैठते थे, तो उसमें कुछ यार दोस्त मुझे ऐसे मिले जो ड्रग्स का नशा करते थे। तो एक दिन ना करने पे, दो दिन ना करने पे, आखिर ऐसा हुआ कि बस थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने मुझे अपने साथ आदी कर दिया, और फिर इससे वापस निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अगर ना मिले तो अजियत तकलीफ़ थी, और मिलने पे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता था।
तो घर वालों ने दो तीन जगह पे इलाज पहले भी करवाया दो तीन इदारों में ना, मगर जब वापस आ जाते थे तो जहन फिर उसी तरफ जाता था, नशे की तरफ ना, तो फिर दोबारा वही गलती हो जाती थी। आखिरकार ऐसा हुआ कि पैसे ना होने पर, मिसाल एक इंसान जाहिर सी बात है चोरी भी करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसको तो आपकी चीज वो है कि आप क्लियरली बता रहे हो कि कौन कौन सी जो आपसे खताएं जी बिल्कुल सरजद हुई है, बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल बात है, अच्छी बात। तो इस चीज की जरूरत थी, चाहिए था ये, भले खाना पीना ना मिले कहता हूँ लेकिन नशा मिलना चाहिए, ये जहर चाहिए इंसान को। सही सही। तो घर वालों ने भी कब तक साथ देते, छोड़ दिया उन्होंने भी, भाई जो करना है करो। अच्छा। तो फिर छोटे भाई ने जो है ना, एक दोस्त ने बताया उन्हें कि मैडम जब एरिया का हॉस्पिटल अलजेरा सेंटर। अच्छा, आपके भाई को बताया? जी छोटे। अच्छा। भाई को ना, तो वालदा को समझाने के बाद वो मुझे वहाँ ले गए, तकरीबन 6 महीने मैंने वहाँ पे। अच्छा। इलाज किया उन्होंने, 6 महीने ट्रीटमेंट किया। और एक तो मैडम जवेरिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नई जिंदगी दी है, ठीक है, और दूसरा अल्लाह ताला ने इनको एक बेहतरीन अखलाक दिया हुआ है। वापस आने के बाद तकरीबन मेरे 7 या 8 महीने हो चुके हैं कि मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ, ठीक है। तो अभी अपना काम काज और अपने बीवी बच्चे माँ बाप को सबको संभालू, अल्हम्दुलिल्लाह जहन उस तरफ दोबारा नहीं जा रहा मेरा। तो दोस्तों ने बस एक वही बैठते थे खुशबू आए तो हाँ, मगर उनको मैंने छोड़ दिया। जाहिर सी बात, उनको छोड़ दिया क्योंकि अगर मैं दोबारा उनके साथ उठूंगा बैठूंगा तो फिर इस बीमारी में मुब्तला हो जाऊंगा। अभी कभी आता है चाह कि यार कभी फील होता है कि मुझे जरूरत आ रही है, या अंदर से कभी होता है ना बंदा कहीं ना कहीं, मैंने अक्सर देखा जो लोग ज्यादा ज्यादा परेशान होते हैं, कुछ ऐसे टेंशन में होते हैं, तो वो कहते हैं कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, जैसे सिगरेट पी लिया, कुछ पान खा लिया, कुछ होते हैं ऐसे तंबाकू होता है कहीं कहीं लोगों के साथ होता है, लेकिन जो आप कह रही है ना कि आपके जहन में ऐसा कुछ आता है, तो मेरा एक बहनोई है वो माशाल्लाह से आलिम है, तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था कि कभी अगर आपके साथ इस तरीके से हो ना तो आप मुझसे रब्ता करें। अच्छा, तो जब कभी एक दो दफा ऐसा, हाँ एक दो दफा मेरे जहन में ऐसा ख्याल आया भी है। अच्छा। तो मैंने डायरेक्ट उनको फोन करके उनसे मैं मिला, ठीक है, तो फिर वो मुझे ऐसी बातें बताते हैं दीन के कि इसका क्या क्या सजा मिलेगी, क्या क्या अजाब होगा, तो दोबारा माइंड सही हो जाता है मेरा, फिर जहन में वो नहीं आता। ये तो एक अल्लाह का खौफ डाल देते हैं दिल में। एक और ये तो थेरेपी हो गई कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन की जरूरत है कि उसके साथ थोड़ी गुफ्तगु करे तो उसका हाँ। दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि अगर कभी ऐसा हो ना तो आप मुझसे वो करें। चल इजाज़ भाई ये बताए आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई थी? जी मैम, हमारी लाइन ड्राइवरी की लाइन थी इसमें ना, हाँ तो 100% वो तो आपको पता है ड्राइवर तो सारे पीते हैं जी, ठीक, बस इनके साथ पीते पीते चरस पीते पीते एकदम से बॉर्डर पे आ गए। बॉर्डर से ये कि मामू थे हमारे घर वालों ने, भाई थे, वाली साहब का इंतकाल हो गया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया था, मामू थे वो ये करीब ही रहते हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने बोला अलजेरा हॉस्पिटल है वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह आप सेट हो जाए। आपसे पूछा था क्या इलाज करवा, कुछ लोग तो एग्री नहीं होते ना? नहीं नहीं हम एग्री हो गए थे, तो आपने कहा अच्छा चलो करवा लो, चल करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 6 महीने इलाज करवाया, अभी माशाल्लाह सातवां महीना लग गया छोड़ा हुआ। अल्लाह तेरा शुक्र है भाई। अब अपनी फैमिली में दोबारा? जी अपनी फैमिली में दोबारा खुश है। शादी हो गई? जी। क्या बात, शादी से पहले था या बाद में? शादी के बाद में। ये शादी के बाद आपको ये जो आपने नशा पहले लिया था या बाद में? बाद में लिया था, शादी के बाद। शादी के बाद तो वाइफ ऑफ कोर्स लड़ाई होती होगी, वाकई होती क्यों नहीं होती, क्या गलती कहती होगी, क्या गलती कर ली मैंने इससे शादी करके, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो लड़ाई ना हो। अच्छा, जब आपने मेरे भाई शुरू किया था तो क्या वो बच्चे आपके कितने उम्र के थे? मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह से अब तो 13 साल का है, जो बड़ा बेटा है, और 4 बच्चे हैं मेरे, और सबसे छोटा बच्चा जो है वो मेरा 6 साल का है। तो मेरे को नशा करते हुए तकरीबन 15 से 16 साल हो गए, 15 से 16 साल तक, यानी कि उस वक्त छोटे छोटे बच्चे होंगे बस। अच्छा, कब होश संभाला ही था कि मैं आपकी आंखें बड़ी नम नम देख रही हूँ, दुख होता है यार, मैंने अपने कीमती वक्त अपने बच्चों से बहुत दूर गुजारा, बहुत तकलीफ होती होगी बहुत ज्यादा, बहुत। एक तो देखे ना कि ऐसा भी हुआ है, दूसरा नहीं मेरे साथ खुद का हुआ है
कि जब इस जहर में मुब्तला थे, इस नशे में, तो मिसाल अपने रिश्तेदारों में, मामू के घर या चाचा के घर आना जाना होता है ना, इंसान चला जाता है, समझ गई, तो वो एक दूसरे को ना इशारों इशारों में समझा देते हैं कि कोई कीमती चीज हो तो चोर नजरों से देखते थे, क्योंकि ये तो आसरा नहीं करेंगे ना, तो ले जाएगा, नशे की जरूरत है। ठीक है ठीक है ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने एक दिन दिल में सोचा, मैंने कहा ऐसे जीने से अच्छा इंसान खुद को मार ही दे। चले चले, उदास नहीं हो, और बस आप अपने बच्चों में लौट आए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जब ये बात करी थी, जब शुरू में ही बात करी थी, तो उनकी आंखें वैसे ही नम हो गई थी, और ये अपने बच्चों में अल्लाह पाक ने किसी को हिदायत दे दे, बड़ी बात है, और अपने बच्चों में बेशक वो वक्त वापस आ नहीं सकता, जब एक होता है ना, बच्चे कंधे पे बैठ रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, मदरसा लेके जा रहे हो, वो वक्त तो वापस नहीं आ सकता, इसमें कोई वो नहीं है, दौरान नहीं है, लेकिन मेरा भाई को अल्लाह पाक सेहत दे, और एक तकलीफ में मुब्तला हुए हैं दोस्तों ने, ये बस गंदी दोस्तियां भी किसी काबिल नहीं होती, किसी काबिल छोड़ती नहीं है, छोटे बच्चों का, उदास नहीं हो मेरे भाई, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको दोबारा, आप खुद अपने लफ्ज़ों में खुद कह रहे हो कि मैं पलट के आ गया, और अब कभी आता भी है तो मैं नहीं जाता। इनफैक्ट हमें तो इतनी खुशी जी होती है कि जब हम इन लोगों को देखते हैं, और जिस हालत में ये लोग आते हैं, जब ये आते हैं तो इनकी सेहत इतनी ख़राब थी, जब हमारे पास फजल साहब आए थे, और उस वक्त इनके वालिद साहब तो बिल्कुल इस, मतलब इस उम्मीद में ही नहीं थे कि ये सही होंगे, वो कहते थे ये कुछ भी हो जाए इनको, हमें कोई इनसे कोई भी वो नहीं है, मतलब हम इनसे थक चुके हैं, ऐसे कहीं टायर्ड हो चुके हैं कि अब 16 साल मेरी प्यारी बहन इज अ टू मच ना, तो लेकिन जो है फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये माशाल्लाह इतने अच्छे हुए, और उन इनकी अच्छाइयाँ उनको पता चलनी शुरू हुई कि इस तरह से जो है हमारे बेटे के अंदर अभी भी ये क्वालिटीज़ बाकी हैं जो हमने तरबियत दी थी, वो अभी तक इनके अंदर मौजूद है, और हम जब देखते हैं, हम इनके अंदर इतनी अच्छी बातें देखते हैं, इतनी सलीके से बात करना जिस तरह आपसे कर रहे हैं इस वक्त, ये मतलब पहले जब इस तरह की लत में शिकार थे तो तब तो कुछ भी पता नहीं होता था कि क्या बात करनी है, किस तरह करनी है, बस एक नशे की जो है वो धुन लगी रहती थी कि नशा चाहिए हर वक्त, लेकिन अब जो है बीवी बच्चे इतना खुश हैं घर में, सब खुश हैं, और इस तरह के लातादाद मरीज़ हमारे पास आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं, अब तो काफ़ी तादाद में फ़ीमेल्स आ रही हैं, बाकायदा उनको लेकर चले जाते हैं ग्रुप्स के, आओ हमारे साथ नशा करो, जैसे लड़के होते हैं तो लड़के जो है उनके साथ लड़कियाँ भी चाहिए होती हैं उनको, कि एक ग्रुप बन जाएगा, हम लोग थोड़ा पता नहीं कहाँ जा रहा है मुआशरा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो सभी जानते हैं आजकल का माहौल किस तरह का चल रहा है, तो फिर वो लड़कियां जिस तरह की भी आएँ तो उनको एक दो दफ़ा के ज़बरदस्ती पिलाते हैं, फिर जब वो आदी हो जाती हैं तो फिर वो उनको लेकर अपने साथ निकल पड़ते हैं, कहीं भी किसी मज़ार पे पड़ी हुई हैं अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां, अल्लाह, फिर जब वो हमारे पास आती हैं तो फिर हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, हमें इतना अफसोस होता है सुनकर, और अभी मेरे पास लास्ट टाइम एक पेशेंट एडमिट हुई थी, तो जब वो एडमिट हुई तो उसको ये कहकर भेजा गया था ऊपर कि जाओ तुम्हारी ऊपर सिस्टर मौजूद है, क्योंकि उसकी सिस्टर भी नशा करती थी, अल्लाह, तो वो बड़े मज़े से देखने के लिए गई ऊपर, तो जब वो गई देखने के लिए तो वार्ड में उसको जो है उसको एडमिट करना था क्योंकि वो भी नशा करती थी, तो जब उसको एडमिट कर दिया तो उसने इतना हंगामा किया, इतना शोर किया, इतना शोर किया, इतना शोर किया, तो मतलब स्टाफ कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन जब इतना ज़्यादा वो लाउड हुई तो फिर मैं भी उसके पास गई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा शायद इसको किसी ने गलत तरीके से तो यहाँ पर वो नहीं कर दिया, मतलब ये करती भी है या नहीं करती जो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, इतना शाउट कर रही है ये, तो जब मैं उसके पास गई तो उसने तो मतलब ये कि बोलना शुरू कर दिया कि हाँ मैं करती हूँ, और जो है मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से जाना है, और मैं तो उसी के साथ रहूँगी जिसके साथ मैं आई हूँ, वो उनका ना भाई था ना उनका कोई रिश्तेदार था, वो उनके साथ ऐसे ही कोई लड़का लग के आया हुआ था। फिर उसकी वालिदा को फ़ोन किया, वो वालिदा के लिए क्योंकि उस लड़के को फ़ोन करने को कह रही थी वो कंटिन्यूसली, तो हम लोग उसको कॉल नहीं करने दे रहे थे क्योंकि रिलेटिव्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर जब उसकी वालिदा को फ़ोन किया तो उसकी वालिदा ने कहा चाहे ये यहाँ रो रो कर मर जाए लेकिन इसको यहाँ से जब तक आप लोग नहीं जाने दीजिएगा जब तक मैं खुद नहीं आ जाती, क्योंकि ये हमारा इतना नाम बदनाम कर रही है इस वक्त, पूरी जगह जगह हमारा नाम बदनाम हो रहा है और हम बहुत शरीफ घराने से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमें इतना अफसोस हुआ सुनकर, और फिर हमने उसको जो है मतलब ये कि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया डॉक्टर से, तो अब जाके वो कुछ बेहतर है। अच्छा मैं एक भाई से अजाज भाई सवाल ये करना चाहूँगी कि कितना तकलीफ दे प्रोसीजर से गुजर, क्योंकि वो लोग जो गलती से ड्रग्स की तरफ या किसी भी नशे की तरफ जाना चाह रहे हैं ना,
वो वहीं रुक जाए, क्योंकि उसके बाद का प्रोसीजर बेशक वापस तो आप आ जाते हो, लेकिन वो बीच का प्रोसीजर बड़ा तकलीफ दे। क्या तकलीफ हुई थी, या मतलब इस चीज़ को छोड़ना इतना आसान तो नहीं होता? नहीं, इसमें तकलीफ बहुत होती है मैम, मगर ये है कि अभी ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। जिस्म में दुख रहा है, क्या चाहते थे आप? भूख लगती थी क्या महसूस? नहीं मैम, भूख का तो नामो निशान तक नहीं होता। असल में जो नशा करने से जो है ना, जो मैदा होता है, मैदे का वो बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर मिसाल भूख लगने पे सुबह से उठे तो रात को इंसान को, अगर आप सुबह से लेकर रात तक कुछ ना खाया हो ना, जो नशा कर रहा है मिसाल, उसको आप दो नवाले दे दो ना, बोलेंगे पेट भर गया मेरा, क्योंकि मैदा बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर जब उसको इंसान को एक जगह पे एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, उसको नशे की तलब है, ज़रूरत है, तकलीफ़ में हो गया है, तो उसे इंजेक्शन वगैरह, मुझे तो इंजेक्शंस लगे थे और उसके बाद कुछ मेडिसिंस वगैरह दी गई थी। तो ये है कि 100 में 50% कवर हो गया था, और ये 50% खुद बर्दाश्त करना था। मुझसे कहा गया था कि आप जितना ज़्यादा नहा सकते हो आप नहाओ, क्योंकि इसका दूसरा इलाज नहाना भी है। अच्छा, तो मैं नहाता अक्सर नशे वालों को तो मैंने गंदा ही देखा। हाँ, यही तो, पानी को देख के बंदे को बहुत डर लगता है पानी से ना, कि बस दूर भागे। तो कुछ दिन तो मुझे जबरदस्ती नहलाते थे कपड़ों के साथ, फिर मैं धीरे धीरे खुद आदि हुआ नहाने के साथ। और तकलीफ में तो ये है कि मिसाल बुखार होता है 103 या 102 का। अच्छा। और पेट में मरोड़ हो रही होती थी, मोशन ऐसे बिल्कुल पानी की तरह। सही, ये वो तकलीफ है जो बीच में आती है। ठीक है, तो बिल्कुल बेजान सा हो जाता था इंसान। अगर कहीं यहाँ से वहाँ भी अगर इनको शिफ्ट करना है, लेके जाना है, तो दो बंदे उठा के लेके जाते, जिसम में दम नहीं होता। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि मैडम जवेरिया साहब के यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी जाती है, तो धीरे धीरे तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर इंसान में थोड़ा स्टैंड ओवर हो जाता है, थोड़ी सी जान आ जाती है। तो फिर जितने दिन गुजरते रहते हैं वो बेहतरी की तरफ जाता रहता है। अच्छा, जब जैसे जैसे आप ठीक होते, आपकी तलब बढ़ती होगी, यार मैं अपने फैमिली में दोबारा चला जाऊं और जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं। हाँ, कोशिश तो ये बहुत थी मेरी कि गलतियां हो गई हैं, अब माशाल्लाह बेहतर हो चुका हूँ, बस किसी भी तरह से माँ बाप बहन भाइयों को मनाऊं, राजी करूं। मगर अब सब राजी हो गए ना, अब तो माशाल्लाह सब कुछ भाई, अल्लाह पाक आपके बच्चों के जो कारोबार है हमारा खानदानी, वो मेरे हाथ से छीन लिया गया था, क्योंकि मैं नशा करता था। अब माशाल्लाह सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी। अरे कितनी इज्जत मिल गई ना, देखो ये बड़ी बात है। आपके घर वालों ने वो सोचा नहीं कि भाई ये खत्म कर दो, उसका फायदा भी लो। कुछ लोग तो कहते हैं छोड़ो यार, अच्छा प्रॉपर्टी से भी जान छूट गई ना। तो लेकिन आपके बहन भाई बहुत अच्छे हैं, आपके वालिद साहब, आपकी वालदा, उनकी दुआएं हैं। बस एक छोटी आपके ऊपर आजमाइश आई थी, वो निकल गई। अभी वो बड़ा बेटा, देखिए अगर आप इसी को कंटिन्यू करते ना, तो आपके बच्चे भी दितर बितर ही हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, तो उनको भी ताने जनी अलग मिलती कि तुम्हारे बाप ने ऐसे कर दिया। जैसे आपने कहा कि मुझे चोर नजरों से देखा जाता, मैंने खुद देखा है। जैसे कि मिसाल मेरे बच्चे माशाल्लाह सब पढ़ने जाते हैं, तो अगर मेरा बेटा स्कूल जा रहा है सुबह में, तो जाहिर सी बात है हर बच्चे को कुछ पैसों की जरूरत होती है, पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं इसको 20-30 रुपए दूं। कौन सा बच्चा मांगता था, बड़ा छोटा? बड़ा बेटा पैसे मांगता था, तो मना कर देते थे आप? उल्टा आप कहते थे मुझे दे दो, मैं कुछ पी लूँ थोड़ा सा। चले चले, आप अपनी आंखें नम ना करें, और अपने अल्लाह पाक ने आपको दोबारा रिकवर किया है, तो इंशाल्लाह तआला आपको सेहत भी मिलेगी। अच्छा इजाज, मैं सईदा के पास चलती हूँ। ये बताएं जवेरिया, ऐसे लोग आते हैं दोबारा जाते हैं, कितनी सारी दुआएं देते होंगे यार। वो बच्ची तो ठीक हुई है जिसका आप कह रहे थे, इनकी मामा ने कहा कि यार बस हमारे जो बेइज्जती करवा रही है और उसे ठीक करना है, उनकी क्या रिकवरी हुई फिर? बहुत काफ़ी बेहतर हुई है वो, और इस तरह की बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, और मतलब ये कि आप उनको देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये जो है ये ड्रग्स लेती होगी। तो जब हमारे पास आती हैं और अपनी स्टोरीज़ बताती हैं, और फिर ये बताती हैं कि हम
जो है हमें, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों को माँ बाप चाहे कुछ भी कर ले उनको घर से बेघर नहीं करना चाहते, और एडमिशन के बगैर ट्रीटमेंट होता नहीं है, नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास छोड़ते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो घर से जाना निकलना शुरू कर देती हैं, कई कई दिनों तक घर से बाहर रहती हैं, लड़कों के साथ घूम रही हैं, जिसके साथ भी चाहे घूम रही हैं, उनको होश ही नहीं होता, उनको जो नशा प्रोवाइड कर दे, जितना भी नशा प्रोवाइड कर दे उसके पास चली जाएंगी। तो मतलब ये कि उनकी इज्जत और उनकी आबरू बिल्कुल जो है वो जाती है, मतलब उसमें उन्हें पता ही कुछ हाँ, नहीं होता, कुछ नहीं पता होता, सड़क पे सो रही हैं, कहीं भी घूम रहे, फिर अगर वो वापस आ गई हैं पलट कर तो फिर वो कहते हैं कि चलो भाई अब इलाज करवाओ अपना एक्सक्यूज मी, फिर वो इलाज करवाने के लिए हमारे पास आती हैं। अच्छा, जिस तरह मेरी प्यारी बहन बता रही हैं कि लोग देखिए, मर्द तो चलो खैर है, मर्द ने अपना ट्रीटमेंट हो गया इसका, लेकिन औरत का जो है डबल एक, मतलब एक इज्जत की बात होती है ना, माँ बाप की तरफ से भी तोहमतें लगती हैं, इनकी बेटी ऐसे हो गई, अब वो कहीं से मिस्टेक में किसी लड़की ने कुछ ही अंडर एस्टिमेट कर, अरे यार तुम तो कुछ कर नहीं सकती हो, तुम तो अफोर्ड नहीं कर सकती हो, कुछ भी कह के एक स्मोक भी करवा दिया, एक थोड़ा उसने सिप लगा लिया, जो भी मुझे नहीं मालूम इसका कुछ होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे नशे के, तो लगा दिया उसने एक सुट्टा मार दिया, और क्या कह सकते हैं हम, वो कर लिया उसने कष्ट लगा लिया, उसके बाद उसको उसके अंदर चला गया, उसको अच्छा फील हो गया, तो वो कहेगी अच्छा चलो एक तो लगा ली, दो और लगा लेते हैं। ये वो मिस्टेक्स हैं जो दूसरे को बेनिफिट दे देती हैं। अब इसका रीज़न क्या है, ऑफकोर्स जो देने वाला है उसको पैसे बच रहे हैं, लेकिन एक ज़िंदगी नहीं बल्कि एक घर, एक ख़ानदान, एक कुंबा बर्बाद कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं मालूम, उनको उससे कंसर्न भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अब एक लड़की को एक जाहिर बात है उसकी एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, अब माँ बाप के लिए बड़ी उसमें बात हो जाती है ना, मर्द को नहीं छोड़ते तो औरत की क्या है, औरत के तो वो कहते हैं ना कि अब तो ये किसी काम की नहीं रही, इसके साथ ना कोई शादी करेगा, उसके लिए ज़िंदगी और तकलीफ दे हो जाती है, और इंसान जब टॉर्चर में आ जाता है ना तो वो कहीं का भी नहीं रहता, उसके लिए एक ही सिचुएशन होती है कि अल्लाह करे मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि सबसे पहले इनकी शादी का मसला हो जाता है, और लड़कियों का तो ये होता है कि वो किसी एक हद तक ही पेरेंट्स के पास रह सकती हैं, लिमिट है, लोग जो है वो कहते हैं ये तो बूढ़ी हो रही हैं, इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या रीज़न है, क्या वजह है, तरह तरह की बातें बनती हैं। अब या तो बहुत ही अमीर घरानों में इस तरह की बात होती है तो पेरेंट्स अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब वाले कहाँ जाएंगे, गरीब वाले कहीं जा नहीं सकते, फिर वो गरीब वाले जो होते हैं वो तरह तरह की हरकतें करती हैं, इसके साथ देखी जा रही हैं, उसके साथ देखी जा रही हैं, और गरीब तबके में तो ये होता है कि मोहल्ला जो होता है वो एक से एक दीवार जुड़ी हुई होती है, कहीं कुछ ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात की जा रही है तो अगले घर को, पड़ोसी को सब मालूम होता है, बल्कि घर में रहने वाले अफराद को इतनी मालूमात नहीं होती जितनी पड़ोसी को मालूमात होती है, तो फिर इस तरह से बदनामी होती है, फिर और लड़कियों के लिए, उनकी और बेटियां होंगी तो उनके लिए शादी ब्याह का मसला हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर उनको ये होता है कि एक दफा चली गई कहीं पर तो पता नहीं क्या करके आई होंगी, मतलब उनके तो कुछ लोगों के लिए फिर दरवाजे बंद कर, बिल्कुल दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने जुबान में रखे, और मैं यही दुआ करूंगी कि इस वक्त जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी ड्रग्स में मुब्तला है उनकी फौरन ट्रीटमेंट करवाई जाए, बिल्कुल वो बैक होंगे, थोड़ा आप लोगों के ला आप लोग उनको टाइम दें, थोड़ा उनके उनकी उनकी बात सुने, और उनके उनको लेके जाएं, स्पेशली जैसे इन उनके मामू लेके गए थे, बच्चा बैक हो गया, अगर इनके बहन भाई इसी तरह छोड़ देते तो ये तो ज़िंदगी से बच्चा हाथ धो बैठता। लेट्स सी, छोटा छोटा मैसेज सबसे लेते हैं, अब जरूर आपसे मैसेज लूँगी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैडम जवेरिया को अल्लाह लंबी उम्र दे, क्योंकि इन्होंने खाली मेरी ज़िंदगी नहीं बचाई जी, मेरी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बचाई है, और ऐसे ना जाने कितने और लोगों की भी जो है ना ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां बचा रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और हमेशा खुश रखे। आमीन। अच्छा, आपके कितने बच्चे कितनी बेटियां? मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटियां छोटी कितनी कितनी? बेटी जो है ना एक 9 साल की है और एक बेटी 7 साल की है। कितना खुश होते हो कि वापस अपनी बच्चियों में आ गया? बहुत, बेटियां बहुत प्यार करती हैं। अब जो है ना अभी भी माशाल्लाह पढ़ने जाते हैं, अच्छा, मगर ये है कि सुबह में जब उठ जाते हैं तो डायरेक्ट मेरे पास आते हैं कि पापा पैसे दो।
चले अल्लाह पाक आपके रिस्क में और बरकत दे और दोबारा आप लौट के आए हैं, सबके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। इजाज़ भाई आपका मैसेज दोगे अपने नाज़रीन को? हम यही कहेंगे मैम का शुक्रिया अदा करते हैं, जवेरिया मैम का, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। बाकी ये कि नशे में जो मुफ्तला है अल्लाह पाक उनको उससे दूर रखे। अभी लोगों को देखते हो कि बहुत गुस्सा आता होगा यार। अभी जिसको देखने पीते हैं बहुत गुस्सा आता है, तो थप्पड़ लगा दो इनको। चले जी सही दे जाते जाते मैसेज आप। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी किसी ये कैमरा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि अगर कोई नशा कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, बल्कि उसको जो है इलाज करवा के उसको वापस उसकी जिंदगी की तरफ लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए। जबरदस्त सईदा का मैसेज ये है, सईदा जवेरिया का, और इनका जो सेंटर है वो है अल जहरा के नाम से। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी अल जहरा रिहैब सेंटर आप लिखें, और आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा हो जिसको आप समझते हैं ये भी एक सदका जारी है, मुझे पता है उस पर थोड़े पैसे वैसे आपके लगेंगे, लेकिन शायद कहीं आपके पास आप किसी की हेल्प, जो लोग अफोर्डेबल हैं तो वो किसी एक का इलाज भी करवा देंगे ना, तो वो सारी जिंदगी। एक बार मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी सॉरी सभी के, हमारे यहाँ जो है वो बहुत कम पैसों में, वो मैं यही कह रही थी कि कम पैसों में जी, तो लोग जो है बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं हमारे इदारे को। जबरदस्त, प्लीज सपोर्ट भी कीजिए आप प्लीज हमारी तरफ। मैं यही कह रही थी अल जहरा में जो आपके इर्द गिर्द लगता है, जिसका आपका दिल करे यार आपके पास थोड़े पैसे किसी का ट्रीटमेंट करवा दें, वो ठीक हो जाएगा, अपने बच्चों में लौट जाएगा, तो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं लेंगी। चलिए जी आपका बहुत मैम शुक्रिया है, फजल भाई आपका है, नजाज भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मेरी दुआएं अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते डिश ज़रूर देखिएगा।